अक्सर मुझे बहुत सारे कमेंट आते हैं कि सर बिना जीएसटी के क्या ई कॉमर्स बिजनेस किया जा सकता है, क्या एक जीएसटी नंबर से मल्टीपल अकाउंट्स क्रिएट किए जा सकते हैं, क्या हम हमारी खुद की वेबसाइट पे अगर सेल करना चाहते हैं तो क्या उसके लिए भी जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा, या फिर हम जीएसटी नंबर ले लेते हैं और हमारी सेल नहीं होती है तो हमें क्या फिर भी जीएसटी भरना पड़ेगा। इन सभी सवालों के जवाब मैं आज आप लोगों को इस वीडियो में देने वाला हूं। मेरा नाम है तथासु शर्मा, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर, जहाँ हम ई कॉमर्स से रिलेटेड बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस बनाते रहते हैं और आप लोगों के साथ अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन और अच्छे अच्छे ट्यूटोरियल्स, टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करते रहते हैं। तो आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके जीएसटी रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस के जवाब देने वाला हूं। वो आपको पता होने बहुत ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस आते हैं और इट इज़ नॉट लाइक पॉसिबल कि आपको मैं उस समय कमेंट कर करके एक एक चीज़ बता पाऊँ। इसीलिए मैं हमेशा कहता आया हूँ कि एक प्रॉपर टैक्स कंसल्टेंट, चार्टेड अकाउंटेंट से जाकर मिलिए, वो आपके डिटेल में जो भी सवाल है उनके प्रॉपरली जवाब दे देंगे। लेकिन एज एन ई कॉमर्स सेलर जितना मुझे इन्फॉर्मेशन है, मैं आप लोगों को बेसिक इन्फॉर्मेशन आज इस वीडियो में प्रोवाइड करवा रहा हूँ। ये यहाँ पर एक डिस्क्लेमर और ऐड करना चाहता हूँ क्योंकि देखो गवर्नमेंट की चीज़ है और ये टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है, अपडेट्स आते रहते हैं। तो आप अगर इसको बहुत टाइम बाद देख रहे हैं इस वीडियो को, तो प्लीज़ एक बार अपने कंसल्टेंट से जो है, जो टैक्स कंसल्टेंट है आपके एरिया का, जो चार्टेड अकाउंटेंट है, उनसे जाकर एक बार ज़रूर मिल लीजिए। सो दैट आपको कोई भी अगर प्रॉब्लम होती है ना तो वो आपको बता देंगे। कुछ अगर मिस इन्फॉर्मेशन है या कोई चीज़ ऐसी है जो अब अपडेट हो गई है, पुरानी हो गई है, या कुछ भी ऐसी नई चीज़ ऐड हो गई है, तो वो आप लोगों को क्लियर कर देंगे। तो दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन जो मुझसे पूछा जाता है कि क्या सर बिना जीएसटी नंबर के ई कॉमर्स बिजनेस किया जा सकता है, मैं आप लोगों को एक चीज़ फिर बता देता हूँ, बिना जीएसटी के ई कॉमर्स बिजनेस स्केलेबल नहीं है। बुक्स वगैरह है वो आप सेल कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको जीएसटी नंबर रिक्वायर्ड है, आपको जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा क्योंकि ये एक बिजनेस है और गवर्नमेंट का ये रूल है कि अगर आप कोई सर्विसेज सेल करते हैं, आप कोई गुड्स सेल करते हैं, आप बिजनेस करते हैं, तो आपको जीएसटी भरना होगा, स्पेशली ई कॉमर्स या ऑनलाइन बिजनेस के केस में। उसका सबसे बड़ा मेन कारण ये है क्योंकि आप अपने स्टेट के अलावा दूसरे स्टेट में भी जो है अपने माल बेच रहे हैं, राइट? आपका घर, आपका ऑफिस, आपका रहना, आपका खाना, आपका पीना जो है वो सपोज करिए गुजरात से है, लेकिन आप कुछ सामान अगर महाराष्ट्र में बेच रहे हैं, राजस्थान में बेच रहे हैं, मध्य प्रदेश में बेच रहे हैं, तो गवर्नमेंट आपसे टैक्स कलेक्ट करती है और उस टैक्स को आधा अपने पास रखती है और आधा उस गवर्नमेंट को देती है, उस स्टेट गवर्नमेंट को देती है जहां पर आपने उस माल को बेचा है या उस सर्विसेज को बेची है। आई होप इससे आपको समझ में आ गया होगा कि जीएसटी क्या चीज़ है। दूसरा क्वेश्चन जो मुझसे पूछा जाता है कि क्या घर के एड्रेस पर जीएसटी नंबर मिल सकता है, मैं यहाँ पर एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ। अगर घर आपका खुद का है, आपकी माताजी का नाम का है, आपके पिताजी का नाम का है, तो आप उनसे एक एग्रीमेंट करवाएंगे और उन्हें बोलेंगे कि हाँ, हमारे घर से जो है बिजनेस कर सकते हैं, आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल और एक स्टाम्प पेपर वगैरह ऐड होता है, वो आपको कंसल्टेंट सब बता देंगे और आप उससे जीएसटी बनवा सकते हैं क्योंकि मैंने खुद ने भी ऐसे ही बनवाया था। ठीक है, मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, येस इट इज़ पॉसिबल, आप करवा सकते हैं। फिर भी आप एक बार कंसल्टेंट से बात करिए, वो आपको उसके सारे रास्ते बता देंगे। तीसरा क्वेश्चन जो मुझसे पूछा जाता है कि सर खुद की वेबसाइट के ऊपर अगर हम सेल करते हैं, अगर हम अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट पे सेल नहीं करते हैं और हम हमारी खुद की वेबसाइट पे करते हैं, तो क्या फिर भी हमें जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा? जी हाँ, आपको जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। प्लीज़ एक चीज़ को ध्यान से सुनिएगा, मैं आप लोगों को समझाता हूँ जीएसटी नंबर आपको अपनी वेबसाइट के लिए क्यों लेना पड़ेगा। मैंने जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था कि आप जो भी सेल करते हैं, सर्विसेज बेचते हैं, तो आपको जीएसटी हर महीने भरना पड़ता है। जो भी प्रोडक्ट आप सेल करेंगे ना, उसका एक स्लैब होता है। लेट्स से अगर आप कपड़े, इस टाइप की चीज़ें सेल करते हैं, तो आपको 5% टैक्स देना होता है, ठीक है ना। आप कोई दूसरी चीज़ है, किसी पे 12% है, किसी पे 18% है, किसी पे 28% है, तो अगर आप 5% वाला प्रोडक्ट बेचते हैं, ठीक है ना, तो अगर आप अपनी वेबसाइट से बेचते हैं जिसके ऊपर 5% जो है, जैसे आप टी शर्ट सेल करते हैं, जैकेट सेल करते हैं, ऐसी कोई चीज़ सेल करते हैं जिसमें 5% टैक्स है, अब अगर आपने किसी से माल खरीदा है, किसी मैन्युफैक्चरर से अगर पक्के बिल में आपने खरीदा है, तो वो आपसे उस पर भी टैक्स वसूलेगा, वो भी तो आपसे टैक्स लेगा ना, क्योंकि उसने भी तो माल बेचा है, तो वो जीएसटी आप ऑलरेडी पे कर चुके हैं। फिर जब आपको जीएसटी भरना होगा, तो आपकी जो जीएसटी, टोटल जीएसटी बनेगी ना, जितना भी सेल हुआ है उसका 5%, जैसे आपका 2 लाख का सेल हुआ है, तो 2 लाख का 5% होता है 10,000, ठीक है। तो 10,000 की जीएसटी में अगर आपने पहले से 4-5 हज़ार रुपये मैन्युफैक्चरर को दे रखे हैं, तो आपका मैन्युफैक्चरर जब जीएसटी भरेगा तो वो सेटल हो जाएगा, तो आपको 10,000 भरने की ज़रूरत नहीं है।
आधा जो उस मैन्युफैक्चरर ने बढ़ा है और आधा आप टोटल मिला के आपको जीएसटी भरना है। तो यस, ई कॉमर्स वेबसाइट के साथ साथ अगर आप अपनी वेबसाइट से भी कर रहे हैं तो आपको जीएसटी भरना पड़ेगा। अगर आप विदाउट बिल ले रहे हैं मैन्युफैक्चरर से तो भी आपको भरना पड़ेगा। आज नहीं तो कल आपको दिक्कत हो सकती है, आप प्रॉब्लम में फंस सकते हैं, क्योंकि अगर आप जीएसटी नहीं भरते हैं तो उससे आपको आगे जाके टैक्स रिलेटेड, गवर्नमेंट रिलेटेड इश्यूज आ सकते हैं, क्योंकि आप बिजनेस कर रहे हैं। वो जमाने गए, वो विदाउट बिल वाले जमाने गए। आप लोग कहते हैं कि सर ये दुकानदार है, इसने तो जीएसटी नहीं ले रखा, ये तो कर रहा है, क्योंकि इसके ग्राहक मध्य प्रदेश से या उत्तर प्रदेश से या फिर जो है राजस्थान से या कहीं दूसरे स्टेट से नहीं आ रहे हैं, इसके ग्राहक गुजरात के गुजरात में ही हैं, ठीक है ना। लेकिन आप बाहर बेच रहे हैं, आप अपने स्टेट से बाहर सेल कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट को पता चल जाएगा कि ये सेलर ऑनलाइन सेल कर रहा है। आप शिपिंग करेंगे, आप किसी भी कंपनी की कुरियर कंपनी का वो लेंगे, वो भी आपसे जीएसटी वसूलेंगे, ठीक है ना। आप डोमेन लेंगे, वेबसाइट के लिए होस्टिंग लेंगे, वो भी आपसे जीएसटी वसूलेंगे। तो ऑब्वियसली बात है, उनको पता चल जाएगा कि ये एक वेबसाइट पे काम चल रहा है, राइट। तो जीएसटी नंबर मैंडेटरी है आपकी खुद की वेबसाइट के लिए भी। अगला क्वेश्चन जो मुझसे पूछा जाता है कि क्या एक जीएसटी से पूरे इंडिया में सेल किया जा सकता है। आप एक जीएसटी से पूरे इंडिया में सेल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको अपने स्टेट के अलावा किसी दूसरे स्टेट में भी दुकान लगानी है, वेयरहाउस लगाना है, अपना गोडाउन बनाना है, तो वहाँ का जीएसटी आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि वो स्टेट अलग है, वहाँ से पूरी अलग सेल होगी और वो वहाँ का स्टेट आपसे अलग जीएसटी वसूलेगा, तो आपको अलग स्टेट का जीएसटी भी लेना पड़ेगा। लेकिन ई कॉमर्स मार्केट प्लेसेस के लिए आप अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो, लेट्स से आप दिल्ली से सेल करते हैं तो आपने दिल्ली का जीएसटी ले लिया, आपने फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मीशो पे प्रोडक्ट लिस्ट कर दिए, अब आपको पूरे इंडिया से ऑर्डर आएंगे, आप उस जीएसटी नंबर से पूरे इंडिया में सेल कर सकते हो। लेकिन आप चाहते हो कि यार अब मैं कर्नाटका में जो वेयरहाउस है अमेजोन का, उधर भी मैं लेना चाहता हूँ, या फ्लिपकार्ट का वेयरहाउस है, मैं वहाँ भी लेना चाहती हूँ, तो मैं वहाँ पर अपने प्रोडक्ट भिजवाना चाहती हूँ, तो आपको वहाँ का जीएसटी लेना होगा, राइट। अगला क्वेश्चन मुझसे पूछा जाता है कि सर अगर हमने जीएसटी नंबर ले लिया और हमारी सेल नहीं हुई तो क्या हमें फिर भी जीएसटी भरना पड़ेगा। नहीं, आपको जीएसटी नहीं भरना पड़ेगा, आप उसमें निल जीएसटी भर सकते हैं, आपको एक रुपए भी वहां पर भरने की जरूरत नहीं होती है, वहां पर निल जीएसटी भरा जाता है अगर जीएसटी नहीं है तो। और लास्ट क्वेश्चन मैं यहां पर ऐड करना चाहूंगा कि अगर सर हमारा जीएसटी नंबर लेट से सस्पेंड हो गया है, हमारा अकाउंट जीएसटी नंबर से लिया हुआ अकाउंट सस्पेंड हो गया है, अमेजोन ने या फ्लिपकार्ट ने या मीशो ने हमारे अकाउंट को सस्पेंड कर दिया, तो क्या सेम जीएसटी से हम नया अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं? तो जी नहीं, आप बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैं कहता हूं अपने अकाउंट को संभाल के रखिए। अगर अमेजोन, फ्लिपकार्ट या मीशो पे आप सेल करते हैं और आपका उस जीएसटी नंबर से अकाउंट सस्पेंड हो गया या डीएक्टिवेट हो गया, तो आप भविष्य में कभी सेम जीएसटी नंबर से वापस इन मार्केट प्लेसेस के ऊपर कभी भी अकाउंट क्रिएट नहीं कर पाएंगे। और इस तरीके से ये जीएसटी नंबर कोई चलती फिरती कोई ऐसी वो नहीं है कि कोई आप जाके मार्केट में गए और आप खरीद के लिए आए, इसके अंदर गवर्नमेंट की चीज़ होती है, थोड़ा सा आपको कई डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने पड़ते हैं, पैन, आधार वगैरह, बहुत सारी चीज़ें देनी पड़ती है। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप जो भी मार्केट प्लेसेस की पॉलिसीज़ हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए आप अपने बिज़नेस को करें और उस बिज़नेस को ग्रो करें। अपने ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए, आपकी खुद की ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए भी आपको जीएसटी नंबर लेना होगा, ई कॉमर्स मार्केट प्लेसेस पे सेल करने के लिए भी आपको जीएसटी नंबर लेना होगा। और बोनस में मैं आप लोगों को एक चीज़ ऐड करके बताना चाहता हूँ कि क्या हो रहा है कि इंडियन गवर्नमेंट चाह रही है, इंडियन गवर्नमेंट की बात भी चल रही थी, बीच में एक न्यूज़ भी आई थी कि इंडियन गवर्नमेंट चाहती है कि पूरे नेशन का एक ही जीएसटी नंबर हो, और किसी भी स्टेट में अगर कोई खोलना चाहता है अपनी दुकान या अपने माल को भेजना चाहता है तो वहाँ स्टेट का जीएसटी नंबर लेने की अलग से ज़रूरत ना हो। ऐसा हो जाता है तो ये बहुत ही बड़ी अच्छी चीज़ होगी और इससे हमारी इकोनॉमी में, हमारे बिज़नेस करने के तरीके में और इन मार्केट प्लेसेस को और इस ऑनलाइन इंडस्ट्री को बहुत पुश मिलेगा, बहुत बूम मिलेगा और इससे बिज़नेस बहुत ग्रो होगा। थैंक यू सो मच गाइस। जीएसटी से रिलेटेड मैंने एक बहुत अच्छा वीडियो और बना रखा है, साइड में लिंक दे रहा हूँ, उसे ज़रूर देखिएगा। थैंक यू सो मच गाइस, अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।